Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन होम्योपैथिक ड्रग के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है, एसोसिएटेड है मेरे पिछले वीडियो के साथ जिसमें हमने बात की थी फाइकस रेलिगियोसा के बारे में, दैट मीन्स पीपल के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइकस इंडिका के बारे में। फाइकस इंडिका की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके नेचुरल ऑर्डर, इसके कॉमन नेम, इनकी जो क्लिनिकल्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके जो सिम्टम्स है, क्या क्या इसके फाइकस रेलिगियोसा के साथ कौन कौन सी सिमिलैरिटीज है, डिसिमिलैरिटीज है, और इस वीडियो को हम एंड करेंगे इसकी पोटेंसी ऑफ चॉइस के साथ। सो प्लीज वॉच इट टिल दी एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे मेरे हर एक वीडियो के। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं इस तरह का कंटेंट आपके सामने लेकर आऊं जिससे कि आपको होम्योपैथी समझने में, होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन को लर्न करने में और इंटरेस्टिंग तरीके से होम्योपैथी से कनेक्ट रहने में काफी हेल्प मिले। सो आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। वी आर अबाउट टू रीच 2K सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। सो विदाउट अ फर्दर डू अब हम बात करते हैं फाइकस इंडिका के बारे में। अगर आपको कहीं पर भी फाइकस बेंगालेंसिस नाम लिखा दिखता है सो डोंट गेट कंफ्यूज, फाइकस बेंगालेंसिस एंड फाइकस इंडिका इज द सेम थिंग, दोनों एक ही दवा का नाम है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये कौन सा ट्री है, ये प्लांट किंगडम को बिलोंग करती है डेफिनेटली, और ये जो ट्री है वो है बैनियन ट्री। बैनियन ट्री बरगद का पेड़, यस बरगद के पेड़ से ये जो मेडिसिन है ये प्रिपेयर होती है। और जो हमने लास्ट टाइम बात किया था फाइकस रेलिगियोसा के बारे में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज डू चेक दैट आउट, उसे देख लीजिए, उसके बाद इस मेडिसिन को समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। फाइकस रेलिगियोसा जो है वो पीपल के पेड़ का जो नाम है उससे बनी है, और फाइकस इंडिका या बेंगालेंस जिसकी हम बात करें है वो बरगद का पेड़ बैनियन ट्री से बनी है। इसका कॉमन नेम अगेन बोर, बैनियन ट्री इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मरी, बोट, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अलग अलग इंडियन होम्योपैथिक ड्रग्स के नाम होते ही हैं जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। इसका नेचुरल ऑर्डर जो है दैट्स मोस्ट असेंशियली इज अर्टिकेसी फैमिली। अर्टिकेसी फैमिली को ये बिलोंग करती है। फैमिली फाइकस रेलिगियोसा और इसकी दोनों की अलग है, और वो जो फर्स्ट इनिशियल है फाइकस वो मिलता है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में जो काफी हद तक फाइकस रेलिगियोसा से मिलते हैं। दिस गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियो बिकॉज बहुत ज्यादा कुछ सिम्टम्स है नहीं। अगर आपने फाइकस रेलिगियोसा समझ ली है तो फाइकस इंडिका में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको मुश्किल से याद हो। जब भी हम फाइकस इंडिका के बारे में बात करते हैं वी मस्ट रिमेम्बर वन थिंग दैट इट पोजेस ग्रेटर एंटी हेमरेजिक प्रॉपर्टीज दैन फाइकस रेलिगियोसा। मतलब फाइकस रेलिगियोसा से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्षमता है इसकी किसी भी ब्लीडिंग को, हेमरेज को अरेस्ट करने की, चाहे वो ल्यूकोरिया में ब्लड आ रहा हो या फिर माउथ से गले में हो रहा हो, गले में मुंह से थ्रोट से ब्लीडिंग हो रही हो, बहुत लंबे से क्रॉनिक टेंडेंसी है किसी की ब्लीडिंग की, बहुत लंबे समय से हेमरेजेस हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में फाइकस इंडिका, फाइकस बेंगालेंसिस बहुत ही अच्छा काम करती है। ये कहीं ना कहीं क्रॉनिक केसेस के साथ साथ ज्यादा जल्दी और ज्यादा सीवियर काइंड ऑफ हेमरेज को अरेस्ट कर लेती है बहुत ही कम समय में। तो फाइकस इंडिका में ज्यादा कैपेसिटी है, इट इज अ मच बेटर हेमरेज अरेस्टर देन फाइकस रेलिगियोसा। लेकिन इसमें जो है सिम्टम्स थोड़े अलग है, जैसे कि आपको उसमें बर्निंग वर्टेक्स मिलता है, थोड़े चक्कर, सरदर्द, ये सब चीजें मिलती है। फाइकस इंडिका में ये सभी सिम्टम्स नहीं मिलते जनरली, ये सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइमरी फोकस होता है हेमरेज को अरेस्ट करने के लिए। ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग है, बिल्कुल फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, बहुत सारा खून निकल रहा है, हर तरह के डिस्चार्ज इवैक्यूएशन के साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो बहुत अच्छा काम करती है फाइकस इंडिका। एंटी हेमरेजिक प्रॉपर्टीज जो है सक्सेसफुली देखी गई है कि जो बैनियन ट्री है उसमें बहुत ही ज्यादा है फाइकस रेलिगियोसा के कंपेरेटिवली। अगर डिसेंट्री है, पीरियड्स में जो है बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, पीरियड्स के पहले ब्लड बहुत ज्यादा आ रहा है, उसके दौरान बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो फाइकस इंडिका बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इन ऑर्डर, अगर पेशेंट को डायबिटीज है या गोनोरिया है जिसके साथ साथ उनको यूरिनेशन के वक्त बहुत ज्यादा बर्निंग होती है, मतलब कि यूरिन पास करते वक्त बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो ऐसे केसेस में फाइकस इंडिका इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर रेमेडी। तो गोनोरिया और डायबिटीज में
अगर आपको बर्निंग हो रही है यूरिन में भी ब्लड आ रहा है तो ऐसे केसेस में यू मस्ट थिंक ऑफ फाइकस इंडिका। बहुत ही क्रॉनिक टेंडेंसीज को ये क्योर करती है। तो जब बहुत लंबे समय से किसी को क्रॉनिकली हेमरेजेस हो रही हो, क्रॉनिक लंबे समय से बहुत ब्लीडिंग हो रही हो, तो ऐसे पेशेंट्स में नर्वस डेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, मतलब कि नर्वस सिस्टम की बहुत वीकनेस हो जाती है, बॉडी में बहुत वीकनेस आ जाती है। तो अगर सेमाइनल एमिशंस बहुत ज्यादा होने की वजह से या बहुत ज्यादा वाइटल फ्लूइड्स लॉस हो जाने की वजह से, हेमरेजेस बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से जो नर्वस स्टेबिलिटी आती है, कमजोरी जो आती है, उसके लिए फाइकस इंडिका एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसकी जो पोटेंसी है, अगेन यू कैन गो फॉर मदर टिंचर, यू कैन गो फॉर 30 CN 200 C पोटेंसी डिपेंडिंग ऑन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। दोनों तीनों जो पोटेंसीज है बहुत अच्छा काम करती है। मदर टिंचर भी बहुत ही वंडरफुली काम करता है। देने का तरीका है आधा कप पानी में 10-15 ड्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। पेशेंट को दिन में 3 बार या 4 बार आपको देना है। नॉर्मल पानी के अंदर आप इसके 10-15 ड्रॉप्स खोलकर पेशेंट को दीजिए, या फिर अगर आपके घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर दीजिए। फाइकस इंडिका जो है बैनियन ट्री, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो एज सच बहुत ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट है नहीं, बट द थिंग इज दैट कि बैनियन ट्री जो है वो बहुत ही लॉन्ग लिविंग, इसका भी बहुत बड़ा बहुत ही लंबा लाइफ स्पैन होता है, और ये भी नेचर में बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है। साथ ही साथ ये इंडिया में और इसके सब कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है, और कहीं पूरे विश्व भर में आपको ये पेड़ नहीं दिखता है। बैनियन ट्री इंडिया में ही बहुत ज्यादा होता है। सो बेसिकली दैट इज आर हेरिटेज। तो हमें अपने प्लांट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, एंड वी शुड ग्रो मोर ट्रीज। सो विद दिस आई कंप्लीट माय वीडियो ऑन फाइकस इंडिका और फाइकस बेंगालेंसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर लीजिए, प्लीज डू गिव अ बिग फैट थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्रिप्शन बटन, प्लीज डू सब्सक्राइब। And thank you for watching. Thank you for being so patient with all of my videos. With this, I'm signing off. Meet you next time. Stay connected with homeopathy. Bye-bye.